बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह आपको अच्छा ही रखे। आज मैं बना रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जो बहुत ही आसान और एक महीने तक आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ चाहिए, लहसुन इसको दो केयर मैंने सुखा लिया है, देख लें, और अदरक का भी सेम यही प्रोसेस है। जार लिया है, इसको भी मैंने ड्राई कर लिया है, और ऑयल लिया है। ये सब चीज़ें ऑयल में ग्राइंड होंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और अपना ऑयल डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, आपका जो ग्राइंडर होगा वो भी बिल्कुल ड्राई हो। अब इसको मैंने निकाल लिया है अपने जार में, और अब हम इसमें ऐड करें अपना अदरक, और साथ ही हम ऑयल ऐड कर देंगे, और इसको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, इसमें आपने पानी नहीं डालना। अगर आपको लग रहा है कि आपका कम पड़ रहा है तो आप इसमें ऑयल और ऐड करने, पानी ऐड नहीं करना, ओके? नहीं तो आपकी फंगस लग जाएगी, फिर आपको टेंशन हो जाएगी कि फंगस लग गई है, हमने ठीक नहीं हमारा बना। ऑयल पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ ऑयल ही ऐड करना है, पानी होना ही नहीं चाहिए, कतरा भी पानी मत लगे इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह से देखें, बिल्कुल हमारा सही से पेस्ट बन गया है। हमने दोनों को इकट्ठा कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप अलग जार में लहसुन डाल लें, अलग जार में आप अदरक का पेस्ट डाल लें। मैंने इकट्ठा कर लिया। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको कवर करके एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करके मुझे कमेंट करना और बताना कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।